आदर्श नगर पंचायत मोहली के बासिंदे स्वच्छ पानी के संकट से रहे जूझ सैकड़ों परिवारों के सामने पैदा हुआ मुसीबत। इसे कहते हैं आंख के अंधे और नाम नयन सुख की कहावत। वर्तमान में आदर्श नगर पंचायत मोहली प्रशासन पर पूर्ण रूप से सच साबित हो रही है। तस्वीरों में नगर वासियों की दुर्दशा खुद ब खुद प्रकट हो रही है। ऐसे में नगर पंचायत को आदर्श कहना बेमानी साबित हो रहा है। आपको बता दें कि मोहली कस्बे के बड़ा गांव तिराहे पर एक बड़ा लीकेज होने की वजह से भट्टा मोहल्ला, गायत्री मंदिर, मास्टर कॉलोनी सहित सैकड़ों लोग स्वच्छ पानी के संकट से जूझ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि एक निजी घर से यहां के बासिंदे पीने के लिए पानी इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आदर्श नगर पंचायत मोहली की अध्यक्ष श्रीमती सरिता गुप्ता के द्वारा पूर्व में ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए थे, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन के कर्मचारी एवं अधिकारी अध्यक्ष नगर पंचायत के दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब नगर वासियों को नगर पंचायत प्रशासन स्वच्छ पानी मुहैया नहीं करा पा रहा है तो आदर्श का दर्जा प्राप्त करना क्या ठीक है? निश्चय ही यह तस्वीरें नगर पंचायत प्रशासन की कार्यशैली की पोल खोल रही हैं। यहाँ के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार को तत्काल इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है की परिकल्पना तभी साकार हो पाएगी जब उनके कर्मचारी इसे जमीनी धरातल पर उतारें। वर्तमान के हालात पर नजर डाली जाए तो स्वच्छ पानी के संकट से जूझ रहे नागरिकों की बेबसी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन को तत्काल इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना मोहली कस्बे के हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे।